अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इदरीस मोहम्मद इब्राहिम। प्यारे बच्चों, हमारा अगला नुक्ता है एक दूसरे से बर्ताव। हमारा एक दूसरे से बर्ताव कैसा होना चाहिए ये जानते हैं। एक ही दरख्त के सब पत्ते एक जैसे नहीं होते, उसके रंग मामूली से फर्क होता है और सब फूल भी एक जैसे नहीं होते। इंसान में भी ऐसा ही है। हमारा चेहरा औरों से मुख्तलिफ होता है। हमारी उंगलियों के निशान जैसे दुनिया में किसी और के और शख्स के निशान नहीं हो सकते। हर इंसान में कुछ ना कुछ खास होता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों को अपनों से कमतर ना समझें। तुमने देखा होगा कि उधर तो ऊंचे और मजबूत होते हैं, लेकिन बेलें छोटी होती है और नाजुक होती है। बड़े दरख्त इनको सहारा देते हैं। हमें भी एक दूसरे को ऐसा ही सहारा देना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हमारा आखिरी नुक्ता है आजादी। हम हर साल 15 अगस्त को यौम आजादी बनाती है। हमारा मुल्क आजाद है, इस पर हमें फख्र होना चाहिए। हमें सोचने की आजादी है, बड़े होने पर हम क्या सीखना चाहते हैं ये हम तय कर सकते हैं। हम अपना कारोबार चुन सकते हैं। हमारे मुल्कों के तमाम शहरियों को मसावी हुकूक हासिल है। आजादी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम जैसा चाहे बर्ताव करें। कुदरत की तरफ देखो, कुदरत में सब उसूलों के मुताबिक होता है। चूटियां कतार में चलती हुई नजर आती है, शहद की मक्खियां मुसलसल काम करती नजर आती है। हमारा मुल्क भारत आजाद है, हमें अच्छे शहरी बनना चाहिए। इसलिए हमें ईमानदारी, वक्त की पाबंदी, इस्तकलाल, नज्म व ज़ब्त होना जरूरी है। बचपन में अपनाई गई अच्छी आदतें बड़े होने पर बहुत काम आती है।